सिटी कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत की नासेबा वीडियोस वायरल करने का ये केस है। अदालत ने दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिमा दानिया शाह का सेहत जुर्म से इनकार, मुलजिमा के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया है। अदालत ने मुकदमे की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। सिटी कोर्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का ये केस था, जिस पर बात करेंगे लियाकत राणा से। लियाकत बताइएगा, दानिया शाह ने सेहत जुर्म से भी इंकार किया है और अदालत ने समाअत भी मुलतवी कर दी है, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरहूम रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की अहलियात आज अदालत में अपने वकला के हमरा पेश हुई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने मरहूम शौहर की नाजेबा वीडियो बनाकर उसको वायरल किया है। आज जब अदालत में पेश हुई तो अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने से पहले मुलजमा से पूछा कि आपका नाम क्या है। मुलजमा ने कहा कि मेरा नाम दानिया शाह है। जब उनसे पूछा गया कि आपके वालिद का नाम क्या है तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का नाम मलिक है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप पर इल्जाम ये है कि आपने अपने शौहर की नाजेबा वीडियो बनाई उनकी इजाजत के बगैर और उसको वायरल किया और आप पर यही आप फर्द जुर्म आयद की जाती है। जिस पर मुलजमा ने कहा कि ये तमाम इल्जाम झूठे हैं, ये इसलिए है क्योंकि मैं आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, इसलिए मैं ये तमाम इल्जाम की मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ, इसको मुसरद करती हूँ। अदालत ने मुलजमा के इनकार पर गवाहों को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी और पुलिस को हदायत की है कि इस तरह के गवाहों को अदालत में पेश किया जाए। जी, अदालत ने मुकदमे की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लियाकत राणा, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।